जो जरूरत है, समस्या है, उसके ऊपर एड्रेस नहीं करेंगे। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा करते हैं। जनता ने हम लोगों को संतरा दिया और आते समय हम खा रहे थे तो सोचे कि पहले ये तो वीडियो बना ले, कि नहीं तो इस पर भी ऑब्जेक्शन उन लोगों ने उठाएंगे। हम लोग थोड़ा सोचे कि थोड़ा मस्ती कर लेते हैं भाजपा वाले से, और हम देखते रहे कि कितना उनको मिर्ची लग रहा है। हम समझ में आ रहा है कि गाली देना विपक्ष को वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, फर्स्ट बिहार, झारखंड देख रहे हैं। देखे इन दिनों बिहार में मछली और गाय और संतरे पे राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी को लेकर लगातार मुकेश सहनी कह रहे हैं कि गाय काटने वाली जो कंपनी है उससे हजारों करोड़ रुपए भाजपा ने ले लिया। लेकिन आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का वीडियो फैल रहा है और काफ़ी उस पर भाजपा के जो नेता हैं या एनडीए के नेता उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आप उनके बयानों को सुने। अच्छा, आप लोग कल संतरा खा रहे थे, पहले मछली का संतरा। आप सब देख ही रहे हैं कि जिनको की राजनीति करना चाहिए वो बिहार में किस तरीके से लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। जो जरूरत है, समस्या है, उसके ऊपर एड्रेस नहीं करेंगे। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो भाई कल हमको क्षेत्र में जमुई की जनता ने हम लोगों को संतरा दिया और आते समय हम खा रहे थे तो सोचे कि पहले ये तो वीडियो बना ले, कि नहीं तो इस पर भी ऑब्जेक्शन उन लोगों ने उठाएंगे। क्योंकि ये सब चीज़ अभी वो लोग बांटने लगा है कि ये कलर मेरा है तो वो कलर आपका है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो हम लोग थोड़ा सोचे कि थोड़ा मस्ती कर लेते हैं भाजपा वाले से, क्योंकि भाजपा वाला तो बिहार के युवा, देश के युवा, गरीब, किसान, मजदूर सभी के साथ मजाक कर रहे हैं। उनको बोले थे कि 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। बोले विदेश से काला धन लाएंगे, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा था किसान का आय दुगुनी करेंगे, नहीं किए। तो जब बिहार और देश के युवा, गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा सभी के साथ वो मजाक कर रहे हैं तो हमने सोचा थोड़ा हम भी मस्ती कर ले भाजपा वाले से, और हम देखते रहे कि कितना उनको मिर्ची लग रहा है। हम समझ में आ रहा है, इसलिए हम लोग मुद्दा की बात कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा वो पूरा नहीं कर रहे, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, एक एक लोगों को बता रहे हैं। तो यही सब कर रहे हैं। और रहा कि थोड़ा फ्री बैठे थे तो हमने थोड़ा आज कहाँ जा रहे हैं आज मुंगेर में कार्यक्रम है और जमुई में है, दो जगह कार्यक्रम है और दोनों जगह जा रहे हैं। सब अपने लोगों से मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। मुकेश सहनी जी, मीसा भारती ने कहा है कि पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं तो हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, और इस बार देश को इंडिया अलायंस बनाने का अगर मौका मिलता है तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी नेताओं तक को सलाह के पीछे मुड़ते हैं। देखिए, भ्रष्टाचारी का तो बात तो अभी समझ लीजिए कि ये तरीके से भाजपा ने एक पैटर्न बनाया कि लोगों को बॉन्ड के जरिए पैसा का उगाही करने का, ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और आप देखिए ना, अपने आप को कहते हैं हम सनातन हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, और बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपये का चंदा ले लिया। वो कंपनी जो जहाँ हजारों लाखों पशु को काटा जा रहा है उस कंपनी से पैसा लिया ले रहे हैं, और ऐसा है कि ईडी का नोटिस, सीबीआई का नोटिस भेज देते हैं और उसे उगाही करते हैं। किसी को 100-500 हजार करोड़ रुपया का काम दे देते हैं, टेंडर दे देते हैं और वहां से पैसा उगाही करते हैं। तो भ्रष्टाचारी तो मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का पैटर्न बना दिया। रहा कि मंच पे आ रहे हैं तो मंच पे जनता की बात कीजिए, रहा कि गाली देना विपक्ष को वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जब भी आए, मोदी जी आए, गृह मंत्री जी आए, वो लोग जब भी आते हैं तो जनता की बात करें, जनता के समस्या की बात करें। रहा कि विपक्ष को गाली देने का वो तो कभी भी दे सकते हैं, उनको परेशान करने का वो तो कभी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए निश्चित तौर पे जब वो लोग बदले के भावना से जिस तरीके से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे गलत जो वो लोग भी कर रहे हैं, आने वाले समय पर उन लोगों को भी देखा जाएगा और न्याय किए जाएगा। तो आपने साफ तौर पर सुना मुकेश सहनी साफ साफ कहते हुए आ रहे हैं कि ये लोग, भाजपा वाले लोग, जब बिहार के युवाओं के साथ, गरीबों के साथ मजाक कर रहे हैं, बेरोजगारों के साथ मजाक कर रहे हैं, तो हम भी इनके साथ सोचे कि एक मजाक कर लेते हैं। और हमने हेलीकॉप्टर में संतरा और मछली खाते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया और हुआ भी वैसे ही, भाजपा वाले भी तिलमिला गए। बहरहाल इस खबर में इतना ही, इसी तरह तमाम खबरों के वहाँ से बने रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार, झारखंड देख रहे हैं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।